भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, नायब सैनी जी, वो वहां से सांसद थे और अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना प्री प्लैंड होता भारतीय जनता पार्टी का, तो तीन चार महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया होता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं थी पहले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नायब सैनी जी बुरी तरह से हारेंगे वहां से, तो उन्होंने एक एस्केप रूट देते हुए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल डेथ होती हरियाणा के अंदर, इसलिए उन्होंने एस्केप रूट देते हुए आनन फानन में नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना करके वहां से निकाला, सेफ एग्जिट दिया। उसके बाद संदीप गर्ग एक स्थानीय व्यापारी हैं, उनको ज्वाइन कराया गया पार्टी में। यह कहा गया कि उनको टिकट के लिए लाया गया था कि उनको चुनाव लड़वा देंगे वहां से, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता बीजेपी के टिकट पे। तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए ही उनके ऊपर ईडी की रेड करवा दी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी आजकल इनके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको भी ईडी और सीबीआई से ही हैंडल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद नाम आया नवीन जिंदल जी का, 20-25 दिन तक लगातार ये उहापोह चलती रही। नवीन जिंदल जी के परिवार की तरफ से मना करते रहे कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर उड़ाई जाती रही कि चुनाव लड़ेंगे नवीन जिंदल। और जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई, उसके आधे घंटे के बाद लिस्ट में नाम आया, वो आप सब ने देखा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि खुद कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको लुटेरा कहा हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताती रही हो, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने सबसे बड़ा कोयला चोर बताया हो, ऐसे व्यक्ति को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव का टिकट क्यों दिया? क्या ऐसे कारण रहे और कैसे वॉशिंग मशीन में धो करके साफ करके नवीन जिंदल जी को यह टिकट दिया गया, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बताया जाता है कि जिंदल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, लेकिन ईडी के जोर पर जबरदस्ती एक तरीके से किडनैप करके उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जो मजबूरी का उम्मीदवार हो, जो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हो, वो जनता की क्या सेवा करेगा, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कुरुक्षेत्र में किसी तरीके का कोई बज क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का कोई रुझान नहीं है उनको लेकर। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कैसे लोकतंत्र के ऊपर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी ने अप्रैल 2022 में जिंदल जी के ठिकानों पर छापा मारा, नवीन जिंदल जी की कंपनियों पर, उनके ठिकानों पर एक बहुत बड़ी छापेमारी हुई। उसके बाद 2023 में नवीन जिंदल जी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में, जब वो थे तो अपनी पार्टी को तो दिया 2 करोड़ रुपए चंदा और भारतीय जनता पार्टी को दिया 25 करोड़ रुपए चंदा। ये इतिहास में शायद पहला ऐसा उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ के राइवल पार्टी को चंदा दे रहा है। लेकिन उसका असर देखने को मिला तुरंत प्रभाव से कि 9 सितंबर 2023 को नवीन जिंदल जी को विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाती है, कोर्ट से ओमान और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 12 अक्टूबर 2023 को अमेरिका, इंग्लैंड और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 23 जनवरी 2024 को अमेरिका, यूके और जर्मनी जाने की इनको अनुमति मिल जाती है और सीबीआई इनकी जमानत का कोई विरोध नहीं करती है। यह सरासर समझ में आता है कि एजेंसीज का किस तरीके से उगाही करके, चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया। जिंदल जी ने कुल मिलाकर के कांग्रेस में रहते हुए भी 73 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो किस लिए दिया? ईडी और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दिया, उन केसेस को सेटल करने के लिए दिया और अब उसी मजबूरी में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। लेकिन लोगों के समक्ष ये सारी चीजें साफ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं
कि मजबूरी में आप नवीन जिंदल जी को एक तरीके से किडनैप करके या ईडी के जोर पर ले तो आए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये स्पष्ट करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसको आप कोयला चोर कहते थे, कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड कहते थे, जिसको प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आके ही लुटेरा कहकर के गए, उस नवीन जिंदल को आखिर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी थी कि उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का मुकाबला कर सके? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उधार में एक उम्मीदवार लाना पड़ा जिसको जबरदस्ती ईडी और सीबीआई के जोर पर यहां चुनाव मैदान में उतारा गया है? हम भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है जो वो तानाशाही पर उतर आए हैं? हमने तो सुना था भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार करेंगे। अगर 400 पार कर सकते तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, तो पहले 400 ही पार कर लेते, उसके बाद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल देते, हम सबको भी जेल में डाल देते, कम से कम 5 साल तो जेल में हमको रहना पड़ता क्योंकि आपकी बहुमत की सरकार होती। लेकिन आपको 400 पार का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको 40 पार का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, सारे विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज को ईडी के, इनकम टैक्स के समन और नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप को जेल के अंदर डालना चाहते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो ऑलरेडी जेल में है, आज फिर समन दिया गया है। और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, कैलाश गहलोत जी, आज उनको समन दिया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी होगी, ये हमें पहले से ही मालूम है। तो क्या पूरी विरोधी लीडरशिप को जेल में डाल के उनके अकाउंट फ्रीज करके तब मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यही उनका कॉन्फिडेंस है? ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना प्यार, अपना विश्वास पूरी तरह खो चुकी है, इसलिए ये आनन फानन में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके सारे विपक्ष को पूरी तरह से अपंग कर दिया जाए, उनको चुनाव लड़ने के काबिल ही ना छोड़ा जाए, और उसके बाद अकेले दौड़ते हुए मोदी जी ये चाहते हैं कि वो ये कहें कि मैं अकेला दौड़ रहा था और फर्स्ट आया हूं, ऐसी सिचुएशन मोदी जी लाना चाहते हैं। लेकिन अब जो हालात बने उसमें देश की जनता ने यह फैसला किया है कि चाहे कोई पार्टी के नेता जेल से बाहर रहे या ना रहे, चाहे किसी पार्टी के पास पैसा खर्च करने को हो या ना हो, अब ये चुनाव जनता लड़ेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदवार को वो लेकर के आए हैं वो जबरदस्ती लगभग किडनैप करके लाए गए उम्मीदवार हैं, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर उन्होंने ही कभी कोयला चोर होने का, कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उम्मीदवार न मिलने पर लास्ट मिनट एंट्री देकर के उनकी टिकट की घोषणा की गई है, इसलिए कुरुक्षेत्र की जनता ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है कि मजबूरी के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, मजबूती वाले उम्मीदवार को जिताएंगे। सुशील गुप्ता जी इस वक्त एक ऐसे उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा में है जिसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए कभी डमी उम्मीदवार लेकर के आते हैं, दूसरे वोट कटुआ उम्मीदवारों को उतारते हैं और कुछ और वोट कटुआ उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हम खुली चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपके पास ईडी, सीबीआई, डमी उम्मीदवार जो भी हथियार हैं सब चला लीजिए, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ डमी उम्मीदवार उतारे हैं और कुछ सीटों पर आने वाले समय में डमी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जननायक जनता पार्टी, जिसके नेता गठबंधन टूटने के बाद भी ये कहते हो कि हम कल भी गठबंधन में थे, आने वाले समय में फिर गठबंधन में हो सकते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी आज के दिन हरियाणा में बची है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
जेल जाने से उनको डर लगता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो लिस्ट बन के आएगी विरोधी पार्टियों के वोट काटने के लिए, उसी लिस्ट पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर मोहर लग जाएगी और वो चुनाव मैदान में आएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और हमें ये भी उम्मीद है कि हरियाणा के लोग इस चालबाजी को अब पूरी तरह से समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की साजिशें पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं और अब ये चुनाव जनता बनाम मोदी ये चुनाव हो रहा है, इसलिए जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी भी व्यक्ति को अब रह गया है कि ईडी और सीबीआई के दबाव में नवीन जिंदल जी को चुनाव मैदान में जबरदस्ती उतारा गया है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के जरिए ये सूचना आई 20-25 दिन तक जब ये चर्चा चलती रही कि नवीन जिंदल जी आएंगे चुनाव मैदान में, बहुत सारे उनके करीबी लोगों ने ये कन्फर्म किया कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हर वो तरीका इस्तेमाल करने के बाद नवीन जिंदल जी ने हर वो संभव प्रयास किया होगा कि उनको चुनाव मैदान में न उतरना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के दम पर, मुझे लगता है कि जो संदीप गर्ग के यहां पर जो छापेमारी हुई वो एक अल्टीमेटम था कि जब हम भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने से मना कर रहा है उसके ऊपर छापेमारी करा सकते हैं तो आप तो अभी हमारी पार्टी में भी नहीं है, उसके तुरंत बाद नवीन जिंदल जी का हां कर देना, पार्टी में शामिल हो जाना और आधे घंटे के अंदर टिकट का अनाउंसमेंट होना, ये साफ दिखाता है कि उनके अनाउंसमेंट के लिए लिस्ट को रोका गया था काफी समय से और लिस्ट को रिलीज करना सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग पर निर्भर कर रहा था, इसलिए ये स्पष्ट है कि उनको मजबूरी में यहां से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, मजबूरी के इस उम्मीदवार को कुरुक्षेत्र की जनता नहीं ढोना चाहती है। हमें तो आम आदमी पार्टी के आखिरी कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी इस कड़ी को लेकर के जाएगी, क्योंकि उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद यह सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, आज के दिन अरविंद केजरीवाल एक सोच है जो देश के करोड़ों लोगों के दिलों में है, और कितने मर्जी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लीजिए, हर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का सड़क पर आकर कहेगा मैं भी केजरीवाल, और जो कहता जाएगा वो जेल जाता जाएगा। हमें कोई संदेह नहीं इस बात में कि हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाल करके मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बंद पिंजरे में शेर के सामने कोई भी खड़ा हो सकता है, मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं, खुले मैदान में शेर का सामना करके देखिए, आपको आपकी हकीकत मालूम हो जाएगी। अनुराग जी, लोकसभा सीटों पर तो आप कांग्रेस के साथ देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो बुझने से पहले जो दिया फड़फड़ाता है, आजकल उस मोड़ में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक ऐसा उपचुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है जो वैधानिक तौर पर सही नहीं है। करनाल उपचुनाव हो नहीं सकता है क्योंकि एक साल से कम का समय बचा है, और अगर प्रैक्टिकलिटी में देखें तो जब जून में रिजल्ट डिक्लेयर होगा और सितंबर में जब आचार संहिता लगेगी उसके बीच में सिर्फ 3 महीने का समय है, तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 3 महीने के लिए किसी सदन में किसी व्यक्ति को चुना जाए। और प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखें तो सभी पार्टियों के जो भी वहां पर कैंडिडेट खड़े होंगे वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए की बर्बादी होगी जनता के पैसे की। इस इंतजाम में, पूरे चुनाव के इंतजाम में जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे वो भी जनता के पैसे की बर्बादी है। इसी तरीके का एक निर्णय महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक नोटिफिकेशन जो जारी किया था चुनाव आयोग ने उपचुनाव को, उसको रद्द किया है। हरियाणा का केस उससे मिलता जुलता है, उससे भी ज्यादा, उससे कम समय के लिए ये चुना जाना है यहां पर सदस्य को, इसलिए मुझे लगता है कि कोई उपचुनाव करनाल में होने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा तो उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने की, ये तो आनन फानन में उन्होंने घोटियां चली हैं और उसमें कई पास से उन्होंने गलत चल दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका उनको आने वाले समय में परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, पूरी कल दिल्ली के अंदर भी एक बहुत विशाल रैली पूरे इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध के साथ साथ लोकतंत्र पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है उसको भी
वहां पर निशाना बनाया जाएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली की गई है और आप देखेंगे कि विशाल जनसमूह कल उस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहा है। मुझे ये कहते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि अब सड़कों के ऊपर लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। ऐसा समय नजदीक आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये कहा जाता है कि सारी एजेंसीज, पूरा प्रशासन वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी, सीबीआई और सारी एजेंसीज, पुलिस, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं, जबकि इनका कंट्रोल इस वक्त चुनाव आयोग के हाथ में होना चाहिए था। अगर एजेंसी को रेड करनी है तो फिर उनको शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त ने जो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाले उसके लिए जेपी नड्डा जी के यहां, अमित शाह जी के यहां और नरेंद्र मोदी जी के यहां पर रेड करनी चाहिए ताकि उस पैसे की बरामदगी भी हो सके। और जो लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है क्राइम का पैसा जो इन नेताओं के, इन भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाते हुए नजर आ रहा है, उस क्राइम के पैसे की चेन को भी अच्छे तरीके से पकड़ा जा सके। थैंक यू जी। एक ज्वाइनिंग है।